आज मैं बना रही हूँ मेथी साग से पराठा। मेथी साग हमेशा सर्दी के मौसम में पाए जाते हैं। मेथी साग के पराठे खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। मेथी साग में प्रोटीन, ऊर्जा, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों से आराम दिलाता है, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है तथा पेट दर्द, शरीर दर्द से भी आराम प्रदान करता है। तो जो भी ऐसी बीमारियों से परेशान रहते हैं उन्हें मेथी साग का जरूर सेवन करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले साग को साफ कर दे रही हूँ, क्योंकि ना ये जड़ सहित है और वैसे ही मैं खरीदी। इसे धोकर के काटने के बाद इसे मैं दिखाती हूँ आपको, और आप देख सकते हैं मैंने इसे काट भी लिया है और इसे मैंने छोटा छोटा ही काट के रख लिया है, और इसे ही काट के मैं पराठा बनाऊंगी इससे। तो चलिए फिर बिना देरी किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए मैंने एक बाउल जैसे आटा लिया है, और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन और मिर्च को कूट लिया है ग्लास में ही, और इसमें मैं पानी भी मिला दी हूँ। अब जल्दी से आटा को सान लेती हूँ। तो इसमें मिला दे रही हूँ जो मैंने काट के रख लिया था मेथी साग को। इसमें ऐड कर दे रही हूँ हल्दी, साथ में मिला दे रही हूँ इसमें मिक्स मसाला, इसमें जीरा और धनिया पाउडर मिला हुआ है, साथ में मिला दे रही हूँ इसमें जीरा, और जो मैंने लहसुन कूट के रखा था उसे भी मैं इसमें मिला दे रही हूँ। सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ पहले। तो ये भी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, पानी तो थोड़ा सा मिला हुआ था इसमें, और आटा को भी मैं सान लेती हूँ। और सानने के बाद कुछ इस तरह दिख रहे हैं, कितना अच्छा ये दिख रहा है। ग्रीन भी इसमें मिला हुआ है तो और भी अच्छा लग रहा है ये दिखने में भी। अब छोटे छोटे लोई बना करके इसे मैं बेल लेती हूँ। और बेल लेने के बाद कुछ इस तरह दिख रहे हैं, तो इसको मैं बारी बारी से अभी सेक लेती हूँ। फाइनली ये बन के भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना ही मस्त दिख रहा है। तो ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मस्त बना है ये। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आप भी इसे घर पर बना सकते हैं आसानी से। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।